हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज एक और वैकेंसी के साथ हम आ गए हैं यहाँ पर, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो बिग वैकेंसी है उसके बारे में पूरी अपडेट आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। कितनी पोस्ट होने वाली है, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो है वो कहाँ से निकाली गई है। तो आज की जो वैकेंसी है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार से वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी पूरी रिलीज की जा चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी जो रहने वाली है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं एडिटे इनिशियल टू ए रेम्यूनरेशन रेट 40,000 पर मंथ ऑफ दिस 32,000 पर मंथ ईच एडमिसिबल एज फिक्स्ड रेम्यूनरेशन एंड रिमेनिंग 8,000 पर मंथ इज टू बी पेड ऑफ परफॉर्मेंस बेसिस। तो यहाँ पर आपके लिए 32,000 तो फिक्स आपको मिलने वाला है, इसके अलावा 8,000 पर मंथ जो है आपका वो परफॉर्मेंस बेसिस पर रहने वाला है, जो कि पहले परफॉर्मेंस बेसिस पर 15,000 रहता था, अभी 8,000 कर दिया गया है। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन जो है BSc नर्सिंग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका यहाँ पर CCH कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कंपलसरी मांगा गया है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, और यहाँ पर जो है 2020 के बाद का जो है नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए, उन्हीं के ही CCS सर्टिफिकेट मान्य होंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है पोस्ट बेसिक नर्सिंग यहाँ पर किया हो, साथ में सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में क्लियर हो, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, GNM भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनका जो है CCH यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जो है उन्होंने इग्नू या किसी अदर यूनिवर्सिटी से या स्टेट हेल्थ काउंसिल से किया हुआ माना जाएगा। तो यहाँ पर CCH सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी माना गया है दोस्तों, CCH सर्टिफिकेट के बिना आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिवर्स द राइट्स चेंज नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पर चेंज किए जा सकते हैं, इसका राइट्स दिया गया है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी को। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो हमने बता दिया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, ह्यूमन रिसोर्स की वेबसाइट पर मतलब आपको जाना है shs.bihar.gov.in पर, वहाँ पर HR सेक्शन में जाना होगा, देन आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट चाहो तो आप डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1/4/2024 यानी कि 1 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो 1/1/2024 तक आपका कंप्लीट मांगा गया है, और एज कट ऑफ भी आपकी 1/1/2024 तक रहने वाली है। इसके बाद जो है आप एज लिमिट से बाहर हो जाएंगे। तो फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये मेल और 250 रुपये फीमेल, SC ST बिहार डोमिसिल कैंडिडेट के लिए 250
मेल और 250 फीमेल दिया गया है, और फीमेल एनपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ₹250 फिक्स किए गए हैं। तो फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर पे कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू डियर द पेमेंट गेटवे चार्जेस इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर पेमेंट में जो चार्जेस है वो एप्लीकेबल दिए गए हैं। एज लिमिट यहाँ पर 42 जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 45 ईयर्स EWS कैंडिडेट्स के लिए जो कि फीमेल, और जनरल मेल वाली फीमेल के लिए। BC और EBC कैंडिडेट मेल फीमेल के लिए 45 ईयर्स, और SC ST के लिए 47 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर्स रहने वाली है। 10 ईयर्स रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा जो कि PWD कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है, और मैक्सिमम 5 ईयर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन हमने आपको बता ही दिया है किसकी क्या क्वालिफिकेशन कंपलसरी मांगी गई है इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो वीडियो में बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इन केस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।